नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी मास कवरेज। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार नारायणगढ़ से लेकर जो है मनासा तक लगातार अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता उत्साह है और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मनासा के जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी मौजूद है। उनसे बात करें कितना उत्साह है, किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को एकजुट कर 13 तारीख की तैयारी की जा रही है। क्या मानते हैं, कितनी तैयारी की जा रही है 13 तारीख की? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, आम जनता में पूरा उत्साह है, क्योंकि एक नेतृत्व, एक सक्षम नेतृत्व से अपेक्षा रहती है। वो सारी अपेक्षा मोदी जी ने पूरी की है, वो सारी अपेक्षाएं शिवराज जी ने पूरी की, मोहन जी यादव ने पूरी की है। जब नेतृत्व अपना काम करता है, पार्टी नेतृत्व अपना काम सफलतापूर्वक करता है और सारी आशाओं को पूरी करता है, तब कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उनके किए हुए काम को धरातल पर ले जाके पूरी ताकत के साथ पार्टी को पूरे बहुमत के साथ जिताए। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एक एक कार्यकर्ता का दायित्व है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से फील्ड में काम करने में जुटा है। और निर्णय जो होगा, जो परिणाम होगा, वो ऐतिहासिक होगा। क्या कहेंगे आप, यूथ है, किस तरीके से यूथ में एक उत्साह है बीजेपी को लेकर या कांग्रेस को लेकर, किसे मानते हैं आप? यूथ में बहुत बड़ा उत्साह है। हमारे स्थानीय विधायक माधव मारू जी के नेतृत्व में पूरी विधानसभा में युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आदरणीय मारू जी के नेतृत्व में संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत मनासा से होगी। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, किस तरीके से मानते हैं, क्या रीति नीति क्या रही? कांग्रेस तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और कांग्रेस समाप्ति की ओर चुकी है और इस बार मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से 400 सीटों के साथ देश में नरेंद्र जी मोदी सरकार बनने जा रही है और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब की बार 400 बार, अब की बार कांग्रेस में क्या हिंदू धर्म की बात नहीं होती, सनातन धर्म की बात नहीं होती थी? कांग्रेस पार्टी जब से राम मंदिर का उद्यापन का निबंधन शुरू कर टुकराया है, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त है और इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस उम्मीदवार कहां से लाई? नागदा से। इनके बाद उम्मीदवार ही नहीं, ये स्थिति कांग्रेस की है। कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब की बार 400 पार। क्या कहेंगे, कहां से मनासा के हो, कहां से आए? रावलीकुड़ी से आया। अच्छा, क्या रावलीकुड़ी का एक मामला सुर्खियों में आया था तेजी से, क्या है? ये गवर्नमेंट का काम है, ये कोई इसका मतलब नेता का काम नहीं है, नेता लोग करवा रहे हैं, ये गवर्नमेंट राज्य सरकार का काम है और उससे कोई लोग ऐसे नहीं है, लोग ऐसे करते हैं, यूपीएस वाले करते हैं। बाकी बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगा, बीजेपी आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसी बीजेपी के गवर्नमेंट पूरी बीजेपी की है, सरकार और सब कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। ये 300 सीट पर हटा दिया, ये हटा दिया, ये अपने राम मंदिर बना दिया, 500 साल पुराना सपना था लोगों का, कितने आदमी मर गए, कितने लड़ते लड़ते कुछ नहीं हुआ। क्या कौन है इस बार? मोदी सरकार। यहाँ के लिए आए थे? क्या कांग्रेस नहीं आएगी इस बार? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बीजेपी सरकार। बीजेपी ने ऐसा क्या किया? बहुत सारा काम कर रखा है बीजेपी। क्या बाकी छोड़ा? देखा आपने, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन में आया, यहाँ पर शामिल होने आया, तो लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे किस तरीके से कितना उत्साह यहाँ पर है और जिस तरीके से 13 तारीख को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है और बैठकें की जा रही है और डोर टू डोर जाकर जो जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में वोट डालने की अपील की जा रही है। मेरे सहयोगी शब्बीर के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।